वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो. जल्दी आते रहते यार मेरे वीडियो. कुड यू, ये किसने लिखा था? सत्या सुंदर मंडल मंडल, उन्होंने लिखा था. और अब है प्रांशु राय ने लिखा है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इजी प्रैक्टिस फॉर शिफ्टिंग टू बार कोड्स प्लीज. यार शिफ्ट करना बार कोड से, आप हाउ टू प्ले बार कोड वाला लेसन देखो, उसी में होगा. करते हैं तो थोड़ा सा उठा के फिर स्लाइड करते हैं, ठीक है? टेक्निक आपको थोड़ा सा उठाओ, प्ले करोगे, शिफ्टिंग में इतना दिक्कत नहीं होती कि बार कोड्स में. अगर बार कोड्स आप पहले बार कोड्स लगाना चालू करो, बार कोड्स आ जाएगा लगाना, तब शिफ्ट करोगे आप, ठीक है? फिर भी इसके लिए लेसन डालना चाहूंगा मैं, डालूंगा, डोंट वरी. माधव प्रसाद समंता ने किया, वीर वाई प्लीज अपलोड ट्यूटोरियल ऑफ होटल कैलिफोर्निया फुल विद सोलो पार्ट. कोशिश करूंगा यार, प्लीज वीर वाई, इट्स माय ड्रीम. ये वीर, ये वीवी बोलते हैं मुझे, वीर वाई, वीर वैया, वी लिखते हैं बी को. इट्स माय ड्रीम कि मैं भी एक दिन होटल कैलिफोर्निया सॉन्ग सोलो पार्ट बजा पाऊं. सबका ड्रीम होता है यार, ईगल का, ईगल बैंड का, ईगल्स बैंड का होटल कैलिफोर्निया. काफ़ी मैंने भी प्ले किया हुआ है अपने स्कूल टाइम वगैरह में, काफ़ी प्ले किया हुआ है ये वाला गाना, मस्त मज़ा आता था प्ले करने में. चलो कोशिश करूंगा इसके लिए कभी. वैसे तो काफ़ी अच्छे लेसन है, आप फॉलो कर सकते हो सोलो पार्ट, क्योंकि इसका लेसन बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि मैं तो यार तसल्ली से सिखाता हूँ, आपको मालूम है. प्रिंस अजीत सिंह का नेक्स्ट है, वीर भाई मुझे कुछ भी नहीं पूछना, बस आपको थैंक यू दो, थैंक यू बोलना है. डू यू नो मैं आपकी वीडियोस टैब से देख रहा हूँ, तब से वीडियोस तब से देख रहा हूँ, मैं भी आपकी वीडियोस टैब से देख रहा हूँ. वीडियोस तब से देख रहा हूँ जब मेरे पास गिटार नहीं था और मैं बस वीडियोस में बताए गए बारीकियों पर ध्यान देता था और उसे आपसे पर प्ले करता था और उसे ऐप्स पर प्ले करता था. गिटार ऐप्स होते होंगे ना, उन पर प्ले करते होंगे. बट अब आई कैन प्ले द रियल गिटार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. देखा, ये होती है लगन, ठीक है? जब बंदे के पास गिटार भी नहीं था तो बंदा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, यही होता है गिटारिस्ट का प्रेम एक. तो रमीज राजा का है अगला मैसेज, ब्रो आई एम बांग्लादेशी, आई सो योर ट्यूटोरियल, यू आर सो नाइस ब्रो, आई बोट अ गिटार 2 days ago, आई जस्ट फॉलोइंग यू, बट वन प्रॉब्लम, वेन यू विल मेक वीडियो प्लीज एक्सप्लेन द कोड नंबर. कोड नंबर कौन सा यार, 007, कोई कोड नंबर तो नहीं होता है. पर हाँ, कोड नंबर आप ये कहना चाह रहे होंगे कि अभी आपने सीखना शुरू किया है, तो एब्सोल्यूट बिगनर्स के मेरे सभी लेसन देखो, लेसन 1, 2, 3, 4, ठीक है? और वो वाले लेसन देखो जिसमें मैंने वर्ड टू वर्ड, नोट टू नोट बताता हूँ मैं कि इस पे फ्रेट, फ्रेट नंबर होगा आपका मतलब कोड नंबर से, तो फ्रेट टू फ्रेट. देखा, आपने वही गलती कर दी ना, बेसिक मजबूत नहीं है तो कुछ भी बोल रहे हो. पहले लेसन देखो मेरे एब्सोल्यूट बिगनर्स के, ठीक है? अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है आपको, पहले वो पक्के कर कराओ, फिर हम बात करेंगे, ठीक है डियर? अगला मैसेज है समीर श्रीवास्तव, मैं को कुछ नहीं बोलना, बस आई वांट टू बिकम बेस्ट गिटारिस्ट लाइक यू एंड आई होप आई कैन डू, थैंक यू. यार आप मेरे जैसे कि मुझसे भी बेटर गिटारिस्ट बन सकते हो, मुझसे भी अच्छा प्ले कर सकते हो, ठीक है? ओमकार वग्गा SRK SRK ने मैसेज किया, पिक भी, प्रोफाइल पिक भी इनके SRK की है. सर आपके बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है और आप बहुत प्यारी बातें करते हो और आपकी वजह से मैं गिटार सीख पा रहा हूँ. TYSM मतलब थैंक यू सो मच, ये मुझे रिसेंटली पता चला था. TYSM आजकल की जनरेशन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी है यार, बहुत से TY लिख देते थे कुछ मुझे मैसेजेस में, TY सर, TY, थैंक यू सो मच यार. थैंक यू करने में भी बंदे यार, मैं पूरा पूरा लेसन डालता हूँ अपलोड आप सभी में. मैं ना ऐसी शॉर्टकट किया करूँगा, शॉर्टकट पे सिखाया करूँगा, ठीक है? जो भी ऐसे TYS मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अगला मैसेज पढ़ते हैं. रमेश कसोटिया, कसोटिया प्लीज मेक अ ट्यूटोरियल ऑफ पहली नजर में सॉन्ग. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन एंड हाउ आई हैव टू चेंज कोड्स व्हाइल प्लेइंग इट, ठीक है डियर? मैं कोशिश करूंगा बनाने का. वैसे काफी सारे सभी लोगों ने इस पे बनाया हुआ है, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ. सर मुझे किसी सॉन्ग की लीड बजानी नहीं आती. तो फिर यार क्या कर रहे हो अभी तक आप, किसी भी सॉन्ग की लीड बजानी नहीं आती? तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो आ जाएगी, मेरे वीडियो देखकर थोड़ी आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस भी तो करना होगा, ठीक है? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, बिगनर्स के सभी लेसन है यार. अब मैं क्या आप लोगों के
वीडियो के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ, ये तो नहीं है ना मेरे भाषण देने से या बात बोलने से आपको गिटार आ जाएगा, तो थोड़ी मेहनत आप भी करो यार। पता नहीं ऐसे मैसेज क्यों लिखते हो सर, मुझे किसी भी सॉन्ग की लीड नहीं बजा पा रहे, तो फिर आपका ऑब्वियसली बात है आप लेसन 1, 2, 3, 4 देखो, ठीक है। आई एम श्योर आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा और ये मैसेज कर दिया होगा, तो ऐसा नहीं करना दोस्त। आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं आती आपको। अपने टारगेट बनाओ और लेसन शुरू करो। फिरोज आलम ने मुझे मैसेज किया है, सर मैं सोच रहा था कि एक ट्यूटोरियल ऐसा होना होता जिसमें छोटी छोटी चीजें जैसे हम नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन वो हमारे बहुत काम की होती है, जैसे हैमर ऑन पुल ऑफ साइड म्यूटिंग साउंड ऐसी हो, तो म्यूटिंग ये बारीकियाँ जो हम लोगों को काफ़ी लाइफ में काम आएंगी, बस हमको क्योंकि ये सब बहुत हेल्पफुल है, ये मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है सर, ऐसा जहन में ख्याल आया तो जाहिर किया आपको। वैसे आप टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट के लिए अच्छा ही सोचते हैं, आप लोगों से बेहतर कौन सोच सकता है, गुड जॉब सर। ठीक है फिरोज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ ये पुल ऑफ और हैमर ऑन ये आप तभी अच्छे से प्ले कर सकते हो, ये थोड़ा जब आप इंटरमीडिएट हो, ठीक है। तो बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर और कोशिश करते रहिए। मैं डालूंगा इन टेक्निक का म्यूट का म्यूटिंग पुल ऑफ हैमर ऑन, मैं इसका कोशिश करूंगा लेसन बनाने का, ये काम आता है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। अगला मैसेज है दीपराज सिंगर, हाँ सर एक ट्यूटोरियल स्पेशल टेक्निक का बनाइए जिसमें हैमर ऑन पुल ऑफ ये भी स्लाइड म्यूटिंग के बारे में बताइए और लीड के लिए फास्ट फिंगर के लिए, ठीक है मैंने अभी बताया आपको, ठीक है मैं कोशिश करूंगा इसका बनाने का। गणेश मारू, नो वर्ड फॉर यू, बस ओनली थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी तरफ से भी यार थैंक यू। हिंदी पोएट्रेट ने कहा आपके गिटारिस्ट बनने की जर्नी कैसे कहाँ से शुरू हुई, आपने कब से और कैसे गिटार सीखा, ये स्टोरी जानना चाहते हैं। देखो सिर्फ आप ही जानना चाहते हो, कोई नहीं जानना चाहता, ठीक है सबको खुद सीखना है, अपने में इंटरेस्ट है। एक मैसेज एक वीडियो मैंने डाला था वो वाला मुझे याद आ गया कौन सा तुम ही हो का, तो बंदे ने कहा था यार हम आपको इसलिए फॉलो नहीं करते कि आप सिर्फ हमें अपनी धुन सुना, वो हम कहीं से भी सुन लेंगे, बहुत लोग इतने गिटार कवर डालते हैं उनसे सुन लेंगे, तो मुझे सिर्फ लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मैं सिखाता हूँ, अपनी अपनी थिंकिंग है यार, ठीक है। तो मुझे मालूम है तो क्या जर्नी सुनाऊँ मैं आपको अपनी, ठीक है। वैसे आपने किया है इंडिविजुअल, मैं आपके इस क्वेश्चन की मतलब आपकी इस रिक्वेस्ट की मैं इज्जत करता हूँ रिस्पेक्ट करता हूँ, और यार पूरा मतलब क्या बताऊँ, बताऊँगा किसी कभी दिन। अगला मैसेज है हजो पोसोन, क्या आपका भी फिंगर टिप्स दर्द होता है, मेरा फिंगर टिप्स अगर आप ध्यान से देखोगे ना जैसे वो बिल्ड हो जाती है ना मसल्स, तो बॉडी बिल्डर्स की एकदम मसल्स होती है, वीन्स नसें आती है दिखाई देती है, जब आप काफ़ी लंबे समय से प्ले करते रहते हो ना तो इनकी भी ना मसल्स एकदम ऐसे मोटी मोटी सी हो जाती है, तो मेरे राइट हैंड से ना डिफरेंट है ये फिंगर टिप्स जो है, ये इन्हें हिंदी में पता नहीं पोरी कहते तो एक इंडियन स्टूडेंट था उसने कहा था कि पोरी होती है सर, तो पता नहीं तो किसी को मालूम हो ना इसके नीचे लिख के बताना कि इन्हें हिंदी में शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में है फिंगर टिप। तो यार हाँ ये तो क्या कहते हैं कि अब फिंगर टिप्स दर्द होता है, तो कुछ दर्द नहीं होता यार, आपको भी कभी दर्द नहीं होगा, सिर्फ शुरू में शुरुआती चरण में आपको दर्द हो सकता है, सिर्फ वो भी मैक्सिमम 8 दिन 1 वीक या 8 to 10 days मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जैसे वही वाली बात है यार, आप कभी भी इतने दिनों बाद क्रिकेट खेलने जाओ या वर्कआउट करो तो सुबह उठोगे पूरा बदन दर्द होगा, तो वही वाली बात है जब कुछ भी हम करते हैं शुरुआती चरण में तो हमारी बॉडी ले नहीं पाती है, तो एकदम से योगा करोगे एक्सरसाइज करोगे या रनिंग करोगे तो स्टेमिना कम होता है, फिर धीरे 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 बनना शुरू हो जाता है, तो उसी तरीके से है। अब यार मेरा दर्द वर्द कुछ नहीं करता, सिर्फ प्ले करता हूँ मैं, हाँ अगर 3-4 घंटे के लिए बजाऊँ प्ले करूँ कोई परफॉर्मेंस दूँ तो अलग बात है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो होता ही है पर लेकिन हाँ ऐसे दर्द नहीं करता। अगला है मुस्लिम खान, देखा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते थे आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस बंदे ने पूछा फिंगर टिप्स का, तो ऐसे अलग अलग पूछ सकते थे यार। अगला मैसेज है मुस्लिम खान, सर आपके हर लेसन का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हो और प्लीज
करते हैं शायद, और प्लीज अगर हो सके तो सनम रे का ट्यूटोरियल बना दे, थैंक्स मुस्लिम खान फ्रॉम पाकिस्तान। मुस्लिम खान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिश करूँगा, सनम रे का काफ़ी लोगों ने डाल दिया तो, और मैंने काफ़ी वीडियोस में अपने प्ले भी करके दिखाया है। चलो थोड़ा सा आपके लिए प्ले कर देता हूँ, प्रैक्टिस नहीं है पर प्ले कर देता हूँ। वही वाली बात है ना, देख रहे होंगे अब काफ़ी लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, डिमांड करते हैं कि ये प्ले कर दो वो प्ले कर दो, तो चलो इसके थ्रू एटलीस्ट ये तो अच्छी बात हो रही है कि इन मैसेजेस के थ्रू थोड़ा बहुत ही चाहे आप प्ले कर देता हूँ आप लोगों की बात रखने के लिए। ठीक है, तो इसका मैं उस पर तो सिंगिंग पर तो देख लो आप। ठीक है, तो शुरू का शायद ऐसे स्लो स्लो प्ले कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा अगर पॉज करके देखना चाहो तो देख लो। सिर्फ यकीन मानो कि प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, ये मैंने ऑन द स्पॉट निकाला है और ऐसे ही प्ले कर दिया, थोड़ा कच्चा पक्का था पर आपके लिए कि अगर थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है आपने रिक्वेस्ट किया हो और इस वाले सॉन्ग का रिक्वेस्ट किया था, तो इसके थ्रू मैंने उनके लिए प्ले कर दिया, बजा दिया, बाकी आप प्ले कर सकते हो, कोशिश करूँगा यार। अगला मैसेज है राहुल कश्यप, सर योर गिटार प्लेइंग लेसन आर वेरी हेल्पफुल टू अस, प्लीज कंटिन्यू टू मोर हेल्पफुल सॉन्ग्स ट्यूटोरियल्स, थैंक यू सर। कोशिश करता रहूंगा आप लोगों के लिए ही यार बनाता हूँ। यसीन खान ने लिखा है नाइस। मोहम्मद रिजवान ने लिखा सर कैलाश खैर का तेरी दीवानी एमटीवी अनप्लग्ड वाला का ट्यूटोरियल, गाएगा कौन यार उस गाने को इतने हाई पिच पे, कैलाश खैर क्लास। चलो कोशिश करूंगा। प्लीज तेजान पटेल, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ग्रेटिट्यूड, ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल, आई विल ट्राई माय बेस्ट हियर। मनीषा क्यू लानी, ए ओ ए सर प्लीज तेरा इश्क नचिया म्यूजिक ट्यून की वीडियो, यार ये गाना नहीं सुना मैंने, मैं कोशिश करूंगा इसका भी प्ले करने का। अगला मैसेज है मनीषा क्यू लानी, इन्होंने लिखा है ए ओ ए सर प्लीज तेरा इश्क नचिया म्यूजिक ट्यून की वीडियो, यार ये ए ओ ए क्या है? मनीषा जी आप ये बताइए पहले तो, ये ए ओ ए क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया इसका मतलब, थोड़ा खुल के लिखा करें। और यार ये गाना मैंने सुना नहीं है शायद इसीलिए नहीं पता ए ओ ए, तो चलो कोशिश करूंगा इसका भी बनाने का। देव चौहान का है अगला मैसेज, सर आप जो भी वीडियो बना दो वो कमाल की होती है, आप सब भी कमाल के बंदे हो। देवनाश तिवारी ने लिखा है सर आई वॉन्ट टू लर्न हमराही प्लीज सर ऑन गिटार रिप्लाई सून, रिप्लाई मैंने दे दिया, मैं कोशिश करूंगा हमराही का। वैसे मैंने गाना नहीं सुना यार, पर सुनना पड़ेगा फिर देखता हूँ, ज़्यादा फेमस सॉन्ग के ही मांगा करो ना यार। या सर विनय कुमार ने लिखा है या सर मोहब्बत थीम प्लीज गिव अस, मैंने दिखाया, ठीक है मैं कोशिश करूंगा इसका बनाने की। ठीक है मैं अपने अकॉर्डिंगली डालूंगा, बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहे कि इस गाने का मुझे बनाना है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, अच्छा अच्छा अच्छी थीम है, गिटार पे जाएगी। अगला है करण हजारिका, गुड जॉब सर कीप इट अप। हर्षित भारद्वाज का है आई वॉन्ट मोर कोर्ट्स वीर इफ यू कैन हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प यू डियर, आपको ज्यादा कोर्ट्स चाहिए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नए नए गाने सीखने पड़ेंगे। जो भी चारों लेसन मेरे एब्सोल्यूट बिगनर्स के लेसन से ऊपर निकल चुके हैं उन्हें अब गाने सीखने शुरू करने चाहिए और गानों पे प्ले करने का कोशिश करना चाहिए। कोई भी नया कोर्ड्स सीखने का सबसे बेस्ट वे है कोई नया गाना सीखे। अभिषेक जलान का है सर बस आप ऐसे ही वीडियोस बनाते रहो दे आर ऑसम, बनाता रहूंगा यार मैं। फिरोज चौधरी का है सर आप जो अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकालकर जो लेसन बनाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कीप डूइंग, फिर ताली बजाई इन्होंने, एक हाथ से ताली नहीं बजती लेकिन मैं बजा लेता हूँ।
ठीक है चल यार, आप लोगों के लिए बजाता हूँ मैं, और आप लोग समझते हैं कि समय लगता है।